सो गुरु प्लीज बताएं अपने बचपन के बारे में, कौन से आर्टिस्ट ने आपको इंस्पायर किया, किन लोगों ने आपको मोटिवेट किया? मोटिवेट करा मुझे मेरे भाई ने, मेरी फैमिली ने, मेरे फ्रेंड्स ने. और आर्टिस्ट जो मैं सुनता था बचपन में, अताउल्लाह खान साहब को सुनता था, गुरदास मान साहब को सुनता था, अभी भी सुनता हूँ, वो लेजेंडरी हैं, उनको हमेशा सुन के कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है. जगजीत सिंह साहब के बहुत सारे गाने हैं, अताउल्लाह खान साहब के हैं गाने, नसरत फ़तेह अली खान साहब के गाने हैं, जो जो लेजेंडरी सॉन्ग्स हैं, जो जिन गानों का कोई मुकाबला नहीं है, जिन गानों को हम आज से हज़ार साल बाद भी सुन सकते हैं. मेरी कोशिश रहती है कि वहाँ से इंस्पायर होके, वहाँ से चीज़ें सीख के अपने गाने में डालूँ. वैसे क्लीन लिरिक्स लिखने की कोशिश रहती है कि जो जो रहती दुनिया तक गाने लोग सुने और उनको इंजॉय करें और उनके साथ अपनी लाइफ बिताना चाहें. जैसे हम अभी पुराने आर्टिस्टों के गाने अभी भी सुनते हैं तो दिल में खुशी होती है कि हमारा म्यूज़िक इतना इतना रिच म्यूज़िक है. सो मेरी भी ये कोशिश रहती है आज से 100 साल बाद, 200 साल बाद अगर कोई गुरु रंधावा सर्च करे तो उसको अच्छा कंटेंट मिले, अच्छे गाने मिले, जिससे उनके चेहरे पे स्माइल आए, उनको खुशी होगी ये हमारा आर्टिस्ट इतना अच्छा काम करके गया. मैं टीवी से इंस्पायर था ज़्यादा. आई ऑलवेज वांटेड टू बी ऑन टीवी, आई ऑलवेज वांटेड टू बी पार्ट ऑफ टेलीविजन. और वही करते करते मैं अच्छा गाता था स्कूल में. जब गाता था तो सब कहते थे अब मेरी वोकल अच्छा है. और करते करते मैंने गाने लिखने शुरू करे 7th-8th क्लास में, फिर आपके सामने आज बैठा हूँ. जब आप ये डिसीशन ले रहे थे ऑफ बिकमिंग सिंगर और म्यूजिक कंपोजर टू मेक सीरियस करियर इन म्यूजिक, कभी कोई क्रिटिसिज्म आया? सब ये पूछते थे कि गाना कब आएगा टीवी के ऊपर, गाना कब रिलीज होगा, क्योंकि दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप इन योर लाइफ. जब गाने से पहला गाना जब आपने रिलीज करना होता है, तो मैं बोल देता था आ जाएगा, जब भी आएगा आ जाएगा. एंड मेरे को हमेशा सपोर्ट रहा है हर एक का, हर दोस्त का, मेरी फैमिली का, मेरे भाई का, मेरे फ्रेंड्स का. और कंपोजिंग में, कंपोजिंग का कैसे हुआ? सारे गाने कंपोज मैंने खुद ही करे हैं, अपने जितने भी गाने अभी तक आपने सुने हैं. ये भी आई थिंक जब भगवान आपको कोई टैलेंट देते हैं तो उसके साथ एक दो चीज़ें प्लस दे देते हैं, वो कहते हैं ये फ्री में ले लो साथ. भगवान ने मेरे को गाने के साथ साथ लिखना और कंपोज करना दिया और मैं उसको अच्छे से यूटिलाइज कर रहा हूँ अपनी लाइफ में, ताकि मेरी सोल और भगवान ने जो टैलेंट दिया है वो बेकार ना जाए और ऑडियंस ने इतना प्यार करा कि वो सब कुछ पॉजिटिवली लोगों के सामने आया और सब प्यार कर रहे हैं आज की डेट में. I am personally a very big fan of your even slow and romantic songs जो आपके पंजाबी में हैं, वो खत है या फिर यार मोड़ दो है. तो are you thinking of getting into melody and slower numbers for Bollywood? Bollywood में अभी मैंने 2-3 फिल्मों के लिए करे हैं 2-3 slow songs, but वो Bollywood का तो situation पे गाना रहता है always. और जब जब ऐसी सिचुएशन मिलेगी तो कोशिश रहेगी कि कुछ ना कुछ ऐसा लिखा जाए, कंपोज किया जाए जो कि बहुत ही सूदिंग हो, बहुत ही मेलोडी भरा हो, ताकि एक डिफरेंट ऑडियंस जो वेट कर रही है ऐसे गानों की, उनके लिए भी गाना बनाया जाए. इट ऑल डिपेंड्स ऑन कैसा आपको स्क्रिप्ट मिलता है, बॉलीवुड का कैसा सीन रहता है, उसके ऊपर गाना बनाना. तो जब जब वैसा मिलेगा तो ज़रूर कोशिश रहेगी बनाने की.